Hi guys, I'm Runal and today I'm going to show you something interesting. Yes, it's wood painting. So wood painting के लिए आपको कोई भी शेप का एक wood लेना है, wood block लेना है. तो मैंने ये लिया है leaf shape का. आपको easily कहीं पे भी available हो जाएगा ये. तो ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको नेम प्लेट बना सकते हो, anything, whatever you want to do. यहाँ पे आप इसको हुक बना सकते हो, जैसे कि आप इसको लटका सकते हो. तो इसका मैंने क्या बनाया है आज मैं आपको सिखाऊंगी. एंड यस, ये मैंने बनाया है इसके ऊपर, तो मैं आपको ये अभी सिखाती हूँ. लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, ये मैंने यहाँ पे वुडन का ब्लॉक लिया है. आप किसी भी शेप में ले सकते हो, बस ये क्लीन कर लेना है लेने के बाद में. नाउ अभी हमको ये मैंने कलर कर लिया है. हाउ टू डू शेडिंग नाउ, तो इसके लिए ये वॉयलेट एंड दिस इज पिंक, ये दो कलर्स आपको यहाँ पे यूज करने हैं. इसका जस्ट यू हैव टू ब्लेंड दिस यूजिंग, आई हैव यूज दिस ब्रश फॉर ब्लेंडिंग दिस. एंड आपको ये कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लाना है. उसके बाद में यहाँ पर मैंने पेंसिल से, जो कि व्हाइट पेंसिल करके आती है, उस पेंसिल से आपको यहाँ पे कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करना है. आज मैंने यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ किया है, जस्ट ट्री का आउटलाइन ड्रॉ करना है, नथिंग एल्स. ओके, एंड देन यहाँ पे एक झूला है जहाँ हम बाद में झूले पे दो फिगर्स बनाएंगे कोई भी. इसको हम ब्लैक कलर से आउटलाइन करेंगे, नीचे से ब्लैक कलर का ग्रास दिखाएंगे. एंड जो अपना ट्री है, ट्री के लिए हमको फ्लावर्स जो निकालने हैं, ट्री के ऊपर लीव्स जो निकालने हैं, उसके लिए हम ये पिंक कलर विथ लिटिल ब्लेंडेड वाइट कलर. नाउ विल स्टार्ट विथ द ट्री स्टेम्स. सो यू हैव टू जस्ट डू द आउटलाइंस. आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप ले सकते हो, आपका ट्री बना सकते हो. ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ. सो यस, दिस इज रेडी नाउ. अब हम इसके ऊपर अपना लीव्स बनाना स्टार्ट करेंगे. सो गाइस, दिस इज डन. नाउ हम यहाँ पे फिगर्स बनाएंगे. एक एनिमल है स्मॉल कैट एंड एक लड़की का फेस बनाते हैं. जिस बैक पोर्शन से बनाना है उनके. ऐसा नहीं है इस ड्राइंग में कि आपको यही कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करने हैं. यू कैन यूज़ एनी कलर कॉम्बिनेशंस, मीन्स आप येलो ऑरेंज एंड रेड कॉम्बिनेशन का भी ये बना सकते हो. इट रियली लुक्स नाइस. So this is done. So our painting is finally ready. Now we'll just give a little touch. यहाँ पे आपको थोड़ा सा white color लेना है,
जो मैंने पैलेट में ले लिया है, एंड यूज़ एनी ओल्ड ब्रश। तो अभी हम इसको स्प्रे करेंगे हल्का सा, देखो हल्का सा, जस्ट आपको ये गुड़ा इसमें डाल के ले लेना है। ओके, नाउ ये जो साइड है, दिस साइड इधर ही आपको स्प्रे करना है, एंड थोड़ा सा यहाँ पे। ऊपर ज़्यादा स्प्रे मत करो, या फिर इनके ऊपर भी ज़्यादा स्प्रे मत करो। सो जस्ट नॉर्मल दिखाना है, बस हल्का सा ऊपर से कोने में, या कर दिस। फाइनली दिस इज डन। गाइज आई होप यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी माई चैनल। एंड ऐसा ही मैंने और एक शेप में बनाया है, आई शो यू। ये एक शेप लिया है मैंने और एक वुडन का, जिसके ऊपर मैंने ये बनाया है। यस, सो प्लीज कमेंट में आपको कैसे लगा, आप भी ट्राई करना।